अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज की वीडियो में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है, दैट इज़ कि हमने पढ़ना कैसे, पैथोलॉजी, स्पेशल पैथोलॉजी की बात करेंगे कि ये वाला सब्जेक्ट हम कैसे कवर करेंगे। ठीक है, पैथो ये है कि ये डिफरेंट इसकी कैटेगरीज हैं, जनरल पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड स्पेशल पैथोलॉजी। जो जनरल और माइक्रोबायोलॉजी है ये हमने लास्ट वीडियो में कवर की, इसकी मैंने गाइडलाइंस आपको वहाँ दे दी हुई। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि स्पेशल पैथोलॉजी जिसे हम सिस्टमिक पैथोलॉजी कहते हैं, वेयर ऑल द सिस्टम्स आर इंक्लूडेड। मैं आपको बैठ के यूट्यूब पर अपना मशवरा क्यों दे रही हूँ? अब मैं अपना मशवरा इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरी स्ट्रेटजी जो थी, जो मुझे बाद में रियलाइज़ हुई कि ये पढ़ना चाहिए, ये सबसे अच्छे रिसोर्सेज हैं, उसका मुझे फ़ायदा हुआ। तो आपका टाइम वेस्ट ना हो तो मैं आपको भी बता देती हूँ और आपको भी उस स्टडी स्ट्रेटजी से फ़ायदा हो। अब मेरे पढ़ाई तरीके करने से पहले मैं आपको अपने मार्क्स का थोड़ा बता देती हूँ। हमारा स्टैंडअप्स का रिजल्ट आया तो उसमें मेरे माशाल्लाह काफ़ी बेहतरीन मार्क्स, 29% मेरे मार्क्स आए। अब 50% पे पास होता तो मैं, एक तो बंदा फेल होता है, एक बहुत बुरे तरीके से फेल होता है, तो मैं उस कैटेगरी में थी कि जो बहुत बुरे तरीके से फेल हुआ। अब ओदो मुझे उस टाइम दुख हुआ अपने रिज़ल्ट को देखकर, 20 दिन बाद मेरा फाइनल एग्ज़ाम था, मुझे पता था पेपर बुरा हुआ, बट मैंने पढ़ना शुरू नहीं किया जब तक रिज़ल्ट नहीं आया। अब रिज़ल्ट आया, 20 दिन बाद फाइनल एग्ज़ाम है, तो उसमें मेरे ऑलमोस्ट 20-25 दिन बाद, तो उस फाइनल एग्ज़ाम में मेरे अराउंड 80% मार्क्स आए। ठीक है, लाइक तो इतना ड्रास्टिक इम्प्रूव मैंने कैसे किया? पहले हम देखते हैं कि बुक्स कौन सी है पैथोलॉजी के लिए। तो ये आपको पता है कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड है दैट इज़ रोमन्स, ये आपकी मेन किताब है। उसके अलावा पैथोमा, ठीक है, पैथोमा छोटी किताब है, अच्छी है, ठीक है। एंड देन वी हैव वसीम अख्तर, ये एक निमोनिक्स की किताब है, अगर आपको निमोनिक्स का फ़ायदा होता है तो ये उसके लिए। ये हमारे पास है बुक्स की कैटेगरीज। फिर उसके बाद अगली कैटेगरी आती है कि लेक्चर्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, तो ये मेरे नज़दीक लेक्चर्स हैं और मैंने जो ज़्यादा बेहतर है उसको उस प्रायोरिटी के ऑर्डर में लिखा है। मुझे सबसे अच्छे डॉक्टर प्रियंका सचदेव के लगे, एंड देन सिंप्लीफाइड मेडिसिन, एंड देन पैथोमा। ये हम सबको डिस्कस करते हैं डिटेल से कि कौन सी चीज़ कैसे पढ़नी है और किस तरह से आपको फ़ायदा होगा। तो अब आपने लेट से आपने सोचा है कि आज मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम को ख़त्म करना है, सबसे पहले खोनी चाहिए रॉबिन्स। रॉबिन्स आपने खोला, लंग का चैप्टर, रॉबिन्स में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने। हमारी पहली प्रायोरिटी ये है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम में ज़्यादा आते हैं, आपने सबसे पहले उनको रॉबिन्स से करना है, बाकी हम छोटी बुक से करेंगे। रॉबिन्स एक्चुअल में बड़ी किताब है, इसको आप जितना मर्जी पढ़ो आपको रिटेन नहीं रहेगी, तो आपने स्मार्ट वर्क करना है, रॉबिन से आपने इंपॉर्टेंट चैप्टर करने हैं। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कैसे पता चले? मोस्टली आपके कॉलेज के सीनियर गाइडलाइंस बनाते हैं, वो आपको बता देंगे कि ये इंपॉर्टेंट है। जो मेरे कॉलेज के सीनियर्स ने बनाई थी मैं आपको वही बता देती हूँ, क्योंकि मोस्टली मेडिसिन में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर जगह सेम ही होते हैं। इंपॉर्टेंट क्या होते हैं? जो पेशेंट्स में ज़्यादा कॉमन हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में जैसे हमने ये लंग वाला चैप्टर खोला तो इसके अंदर ये नज़र आ रहा है मुझे, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस। ठीक है, ये आपने रॉबिन से पूरा करना है। अब पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि स्पेशल पैथो में करनी क्या चीज़ें होती हैं। स्पेशल पैथो में आपने दो चीज़ें करनी होती हैं, एक तो पैथोजेनेसिस, ठीक है, कि कोई भी डिजीज़ का प्रोसेस क्या है, उसमें पैथोजेनेसिस क्या हो रही है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एग्ज़ाम में आती है वो है मॉर्फोलॉजी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी की भी कैटेगरीज हैं, एक ग्रोस मॉर्फोलॉजी होती है कि आपको स्पेसिमन दिख कैसे रहा है, किडनी की अगर एक्यूट फेलियर हो गया, अगर हमने किडनी को देखना है तो वो कैसे बताती हूँ। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैंने आपको बता दी कि COPD सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पर पहले टॉपिक आपने सबसे पहले ये वाला कर लेना है, फिर आपने करना है ये लंग ट्यूमर्स। तो आपने COPD कर लिया, आपने लंग ट्यूमर्स कर लिए, इसके बाद रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ के अंदर न्यूमोकोनियोसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से MCQs आते हैं, और इसके अंदर सार्कोइडोसिस इंपॉर्टेंट है, और आगे हम चलते जाएं तो निमोनियाज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसकी बेसिकली कॉजेज इंपॉर्टेंट है। आपने एक एक चीज़ नहीं करनी, आपने बस ये याद रखना है कि कम्युनिटी एक्वायर्ड नमोनिया की कॉजेज क्या है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमोनिया की कॉजेज क्या है, और उनकी टिपिकल नमोनिया क्या होता है, एटिपिकल नमोनिया क्या होता है, और उनकी मॉर्फोलॉजी क्या है। तो ये आपने टॉपिक्स करने हैं, रॉबिन टॉपिक्स हैं। अब आप डायरेक्ट रॉबिन से रीड करने, या मेरी स्ट्रैटेजी थी कि मुझे यूट्यूब पर लेक्चर लेके फिर समझ आती, तो यूट्यूब पर सबसे अच्छे लेक्चर जो डिटेल्ड आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे वो हैं डॉक्टर प्रियंका के। तो हम आंसर करें COPD। ओके, आपने COPD खोला, उनका लेक्चर देख लेना, या आ गया कोई सवा घंटे का, साथ आपने रॉबिन से रीड कर लेना, अपने साथ नोट्स बना लें। COPD हो जाएगा एक लेक्चर नमोनिया का और एक लेक्चर ट्यूमर्स का। तो इस तरह आपके जो लंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाएंगे। फिर एक यूट्यूब चैनल है छोटा सा, सिंप्लीफाइड मेडिसिन उसका नाम है। ठीक है, नज़र आ रहा है कि सिर्फ 9 वीडियोज़ हैं, और वीडियो की लेंथ कितनी है, 3 मिनट, 10 मिनट, इतनी पूरी 9 वीडियोज़ के अंदर पूरी आपकी लंग पैथोलॉजी रिवाइज हो जाएगी। सो स्ट्रैटेजी इज़, सबसे पहले आपने रॉबिन्स खोलनी है, रॉबिन्स के अंदर देखना है कि आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। अब आप इसे जो आपने रॉबिन से करने उन्हीं की आपने डॉक्टर प्रियंका की वीडियोज़ देख लेनी है। ठीक है, पहले देखेंगे और फिर आप सिंप्लीफाइड मेडिसिन से रिवाइज़ कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको मॉर्फोलॉजीज याद नहीं हो रही, जो मैंने तरीका बताया इससे आपको याद हो जाएंगी, बट स्टिल आपको लग रहा है कि बस मैंने वहाँ वसीम अख्तर लिख दिया, ये वसीम अख्तर
क्रम है, तो ये मॉर्फोलॉजिस्ट की बुक है। अगर तो आप, मैंने ये बुक नहीं पढ़ी थी, ये सिर्फ उनके लिए जिनको निमोनिक से पढ़ने की आदत है, वो अच्छे लगते हैं, तो वो यहाँ से भी एक नज़र दे दें। अब बात रही पैथोमा की, पैथोमा जो है ना वो स्पेशल पैथोलॉजी के लिए मुझे ऐसे फील होता था उसकी समझ नहीं आती आपको। पैथोमा ये कि उसने एक पैराग्राफ में एक पूरी डिजीज़ बता दी, अगले पैराग्राफ में एक और डिजीज़ बता देगा, अगले में एक और डिजीज़ बता देगा, तो आपको क्या है कि हर डिजीज़ का थोड़ा थोड़ा वो बताई जा रहा है, आपको कुछ भी प्रॉपर से याद नहीं रहेगा उसे। तो पैथोमा आपने एंड पर रीड करनी है जो टॉपिक्स आपके रह गए, क्योंकि ओबियसली आपने रॉबिन से तो इंपॉर्टेंट टॉपिक किया ना, उससे सारा पेपर तो नहीं कवर हो, तो उसके लिए आपने पैथोमा रीड कर लेनी है एंड पर, ये बात है।